हेलो माय क्लास, आई एम बीटू कुमार फ्रॉम केवी उमरिया। क्लास थ्री चैप्टर थ्री सब्जेक्ट ईवीएस एंड वॉटर ओ वॉटर। इन लास्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट दिस पोइम वॉटर ओ वॉटर एंड ऑल्सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस पोइम। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द थ्री मेन टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक of water, because this poem is totally based on the concept of water. Okay, so let's start. First topic is uses of water. Okay, uses of water mean its mean where we use the water, हम पानी का कहां कहां पर यूज करते हैं वो बताना है। तो फर्स्ट इज फॉर ड्रिंक, पानी पीने के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड इज फॉर बाथ, स्नान करने के लिए यूज करते हैं। फॉर कुक द फूड, आप सभी को पता भी है कि हम पानी का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, वही यूजेज ऑफ वॉटर है। फॉर क्लीन द हाउस, फॉर वॉश द क्लोथ, ओके, एंड फॉर वॉटरिंग द plants and many. बहुत सारी चीजों में हम, बहुत सारे कामों में हम वॉटर का यूज करते हैं। फॉर ड्रिंक, फॉर बाथ, फॉर कुक द फूड, फॉर क्लीन द हाउस, फॉर वॉश द क्लोथ्स, फॉर वॉटरिंग द प्लांट एंड ऑल्सो। देखिए बेटा, वॉटर है वो सबसे एसेंशियल, सबसे जरूरी चीज है। किन किन के लिए? Water is essential. Essential का मीन होता है बेटा बहुत ही जरूरी, ठीक है। Water is essential for all living things. Its mean, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, water all living things का मीन क्या हुआ बच्चे लोग? All living things का मीन जिनमें जान होती है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग है, वो लिविंग थिंग्स है। तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, वॉटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग का मतलब बेटा जितनी भी मानव प्रजाति है, जितने भी आदमी है, औरत है, जितने भी ह्यूमन बींग है, वो ह्यूमन बींग में काउंट हो जाएंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स, वॉटर है वो ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। और यूजेज ऑफ वॉटर में हम पढ़ चुके हैं, फॉर ड्रिंक, फॉर बाथ, फॉर कुक द फूड, फॉर क्लीन द हाउस, फॉर वॉश द क्लोथ्स, फॉर वॉटरिंग द प्लांट्स एंड मैनी। बहुत सारी इन चीजों में हम वॉटर का यूज करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर अवर सेकेंड टॉपिक। सेकेंड सब टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ वॉटर। क्या है बेटा? फॉर्म्स ऑफ वॉटर। बेटा जो जो चीजें हम अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो हम ऑलरेडी इस पोइम के माध्यम से मीनिंग उसका समझ चुके हैं और अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, फॉर्म्स ऑफ वॉटर यानी कि वॉटर, फॉर्म्स ऑफ वॉटर का मतलब होता है बेटा कि वॉटर हमें किन किन रूप में मिलता है, क्या क्या फॉर्म्स है। तो बेटा एक फॉर्म्स है हमारी लिक्विड। क्या है बेटा? लिक्विड। दूसरी फॉर्म है बेटा सॉलिड। तीसरी फॉर्म होती है बेटा गैस रूप में,
ठीक है, या फिर वेपर्स के रूप में, ठीक है। तो लिक्विड के रूप में हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है जो हम पीते हैं, और जब इसको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, और वो वाटर की कौन सी फॉर्म हो जाती है, सॉलिड फॉर्म हो जाती है। गैस के रूप में देखिए, जब हम पानी को उबालते हैं तो जो भाप निकलती है, वाटर वेपर्स निकलते हैं, स्ट्रीम, हमने ये वर्ड पढ़ा था पोएम के अंदर, ठीक है, कि स्ट्रीम भी इसका एक फॉर्म है। तो वाटर वेपर्स होते हैं भाप के पानी के उबलने के बाद में जो भाप निकलती है वो वाटर वेपर्स होते हैं। तो वाटर कितने फॉर्म्स में हुआ बेटा, लिक्विड में वाटर फॉर्म, ठीक है, और सॉलिड आइस के रूप में सॉलिड फॉर्म, और स्ट्रीम यानी कि वाटर वेपर्स के फॉर्म में मिलता है। तो तीन हमारी फॉर्म्स होती है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, और वाटर, आइस और वाटर वेपर्स। ओके, लेट्स मूव ऑन अवर लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्सेज ऑफ वाटर। इट्स मीन सोर्सेज ऑफ वाटर मीन सोर्सेज ऑफ वाटर, इसका मीन है बेटा कि हमें वाटर कहां कहां से मिलता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। रेन मीन बारिश। जो वाटर का मेन सोर्स है वो क्या है, रेन है। सबसे ज्यादा हमें वाटर कहां पर मिलता है, कहां से मिलता है, रेन से मिलता है। अदर सोर्सेज ऑफ वाटर आर, अदर सोर्सेज कौन कौन से हैं बेटा, हमने और पानी हमें कहां कहां से मिलता है सोचिए, वेल्स कुओं से मिलता है, पॉन्ड्स तालाबों से मिलता है, लेक्स झीलों से मिलता है, और कहां से मिलता है, सीज समुद्रों से मिलता है, ओशियंस से मिलता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, रिवर्स से भी हमें पानी मिलता है। एक बेटा अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, अंडरग्राउंड वाटर वो हम कैसे निकालते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का मतलब जो हमारी जमीन के नीचे, धरती के नीचे पानी है वो हम कौन कौन से वे से निकालते हैं, हैंडपंप्स के माध्यम से निकालते हैं। ओके, दूसरा ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल से निकालते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ वाटर में मेन सोर्स क्या है वाटर का, रेन है। अदर सोर्सेज में क्या आ गया, वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज, ओशियंस, रिवर्स, हैंडपंप, ट्यूबवेल्स। ओके, तो इन दिस वीडियो एंड इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस थ्री मेन टॉपिक ऑफ दिस, थ्री मेन सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक। फर्स्ट हमने किया था बेटा, क्या किया था, यूजेज ऑफ वाटर, किस किस में यूज होता है, फॉर ड्रिंक, फॉर कुक द फूड, फॉर वॉश द क्लोथ्स, फॉर क्लीन द हाउस एंड मेनी मेनी मेनी। दूसरा किया था बेटा हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वाटर में सॉलिड में हमें क्या, कौन जो आइस है वो कौन सी फॉर्म होती है वाटर की, सॉलिड होती है, ठीक है, वाटर है वो वाटर की कौन सी फॉर्म्स होती है, लिक्विड होती है, वाटर वेपर्स है वो वाटर की कौन सी फॉर्म्स होती है, गैस रूप होती है, गैस फॉर्म होती है। तो ये हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर में पढ़ा। लास्ट था हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर कहां से मिलता है, मेन सोर्स है बेटा हमारा रेन, अदर सोर्सेज में वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सी, ओशियंस, रिवर्स, हैंडपंप्स, ट्यूबवेल्स, ईटीसी, ठीक है। तो बेटा ये टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इनको जो सोर्सेज ऑफ वाटर है, फॉर्म्स ऑफ वाटर है, यूजेस ऑफ वाटर है, इनके कम से कम 5 पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। और यदि इससे संबंधित कोई क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट डालकर पूछ सकते हो। थैंक यू।